आज की मूवी का नाम है नो एग्जिट। मूवी शुरू होती है डार्बी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो कि ड्रग एडिक्ट है। इसलिए वो अपने ट्रीटमेंट के लिए एक रिहैब सेंटर में थी और वो ग्रुप सेशन में डिस्कस कर रही थी। बात करने के दौरान उसे जोई नाम के एक इंसान का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसकी मॉम बीमार है और वो जोई उसे उसकी बहन से बात करने के लिए कहता है, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर उसे कॉल नहीं करने देते क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट है। सबको लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है, इसीलिए वो एक लड़की के फोन से अपनी बहन को कॉल करती है। उसकी सिस्टर उसे वहाँ आने के लिए मना कर देती है, लेकिन इसके बावजूद सबके सोने के बाद डार्बी उस हॉस्पिटल से भाग जाती है और जाते हुए वो एक कार भी चुरा लेती है और ड्राइव करते हुए वो शॉर्टले सिटी पहुँच जाती है। वहीं कार के कोने में उसे ड्रग्स दिखाई देता है और उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि उसने एक बार ओवरडोज कर लिया था। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जो उसे बताता है कि आगे रोड ब्लॉक है तो वो उसे आगे नहीं जाने दे सकता और रात पे स्टे करने के लिए वो एक लोकल विजिटर सेंटर जा सकती है। तो डार्बी उस रात को बिताने के लिए वहाँ पर चली जाती है। वहाँ पर उसे एस, लार और एक कपल मिलते हैं, एड और सैंडी मिलते हैं। उस एरिया में कोई भी नेटवर्क नहीं था, इसलिए वो उस रूम से बाहर चली जाती है। जब वो अपने फोन की नेटवर्क चेक कर रही थी तभी उसे पास में खड़े एक वैन से कुछ आवाजें आने लगती है। जब वो अंदर चेक करती है तब वो देखती है कि वहाँ पर एक लड़की बंधी हुई थी जिसे हाथ और पैर से बांधा गया था और वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। डार्बी उस वैन को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे खोल नहीं पाती और तभी उसे रियलाइज होता है कि ये वैन जरूर अंदर बैठे किसी लोगों में से एक का है और यही वजह है कि वो चाह कर भी उन्हें इन सब के बारे में नहीं बता सकती। और इसके बाद वो उस लड़की से कहती है कि वो उसकी हेल्प के लिए आएगी। इसके बाद वो जाकर अपने कार में बैठ जाती है और रोने लगती है। उसी वक्त एड वहाँ पर आ जाता है और वो डार्बी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही, लेकिन वो उसे कुछ कहे बिना ही अंदर आ जाती है और वो खुद को नॉर्मल दिखाती है। फिर एड सबको कार्ड खेलने के लिए कहता है, सब लोग उसकी बात मान जाते हैं और इसके बाद सब लोग कार्ड्स खेलने लगते हैं। कार्ड्स खेलने के दौरान डार्बी को पता चल जाता है कि सैंडी पहले एक नर्स थी और एड पहले एक मरीन सोल्जर हुआ करता था। उसके फादर भी एक मरीन सोल्जर हुआ करते थे और इसके बाद वो सबसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछती है, जैसे कि वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ताकि वो ये पता कर सके कि उस बच्ची का किडनैपर कौन है। इस गेम के खत्म होने तक डार्बी को पता चल जाता है कि लार ही वो किडनैपर है। ये जानकर वो घबरा जाती है और वो बाथरूम में जाती है, पुलिस को कॉल और मैसेज करने का ट्राई करती है लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं था तो वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। फिर वो बाथरूम के होल के थ्रू बाहर जाती है और जैसे तैसे उस वैन का लॉक तोड़कर उस लड़की के पास आती है और उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लार्स वहाँ पर आ जाता है जिससे वो डर जाती है और वहीं सीट के पीछे छुप जाती है। लार्स गेम में हार गया था इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर आकर निकालता है और बातों ही बातों में हमें उस छोटी सी लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम था जे। लार्स जे से कहता है कि जब हम अंकल के घर पहुंच जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो देखता है कि जे ने विंडो से कार्डबोर्ड हटा दिया है जिसकी वजह से वो उस पर गुस्सा करता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेकर आता हूँ और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ही डार्बी जे को फ्री करने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए वो उससे कहती है कि वो उसके लिए हेल्प लेकर। इतना कहने के बाद वो वापस से वॉशरूम में चली जाती है। इस तरफ लार्स अपने साथ एक फूड पैकेट लेकर बाहर आ जाता है। इस पर से एड उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। लार्स उसे कहता है कि मेरा फोन वैन में छूट गया है। इसके बाद लार्स वैन के पास जाता है और तभी उसकी कीज नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो नीचे झुकता है तो उसे वहाँ पर किसी के फुट स्टेप दिखाई देते हैं जो कि सेंटर से ही आ रहे थे। दूसरी तरफ ऐश भी बाथरूम में जाता है जहाँ पर उसे डार्बी की आवाज आती है। तभी वो डार्बी को बुलाता है तो वो डार्बी दरवाजा ओपन करके उसे अंदर ले आती है और फिर दरवाजा लॉक कर देती है। ठीक उसी वक्त वहाँ पर लार्स आ जाता है तो डार्बी उसे किस करने लगती है जिसकी वजह से लार्स वहाँ पर चला जाता है। अब लार्स के जाने के बाद वो ऐसे बताती है कि उसकी कार में एक लड़की है जिसे शायद उसने किडनैप किया हुआ है। इसके बाद ऐस उससे पूछता है कि क्या तुमने पुलिस को कॉल किया, जिस पर से डार्बी उससे कहती है कि हाँ मैंने कोशिश की थी पर यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा। तो ऐश बाहर जाकर उस लड़की को बचाने के लिए कहता है। इस पर से डार्बी उससे कहती है कि लार्स के पास गन है और हमें एड को भी सब बता देना चाहिए क्योंकि वो एक सोल्जर है तो हो सकता है उसके पास भी एक गन हो।
जिस पर से ऐस उसे कहता है कि क्या पता उसके पास कोई गन ना हो, तो हमें उसके खतरे में ना लाते हुए यहीं पर कोई वेपन ढूंढना चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से एक नेल गन उठाते हैं। उसके बाद ऐस उससे कहता है कि तुम पहले जाओ और फिर लार्स तुम्हारे पीछे जाएगा, तो मैं उसके पीछे आकर उसे अटैक कर दूंगा। इसके बाद डार भी वैन में जाती है और वो जे को छुड़ा लेती है। यहाँ पर जे उसे पूछती है कि वो दोनों आदमी कहाँ पर हैं, और यहाँ पर डार्बी को पता चल जाता है कि लार के साथ कोई और भी मिला हुआ है और ये कोई और नहीं बल्कि ऐश है। जहाँ पर ऐश लार्स से कहता है कि तुम केयरफुल नहीं थे, और यही वजह है कि डार्बी को हमारे बारे में भी पता चल गया। फिर वो लार से गन लेकर वैन के पास जाता है, लेकिन तब तक डार्बी वहाँ से भाग चुकी थी। ऐश उसके पीछे जाता है और उसे बाथरूम में पकड़ लेता है। दूसरी तरफ लार्स भी अंदर आ जाता है। एड कहता है कि उसे लार्स बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसमें कुछ तो गड़बड़ है। फिर एड लार्स से पूछता है कि डार्बी कहाँ पर है। इस पर से लार्स उसे कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी एड और सैंडी डार्बी को ढूंढने का डिसाइड करते हैं, इसलिए एड बाहर जाता है और वो लार्स की वैन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ओपन नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ बाथरूम में एस डार्बी को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वो उन दोनों को मार देगा। वो उसे बताता है कि हमने सिर्फ पैसों के लिए जे को किडनैप किया है। उसके फादर के पास बहुत पैसे हैं और पैसा मिलते ही वो जे को जाने देगा। फिर वो डार्बी के फोन में उसके सिस्टर्स के मैसेज चेक करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि डार्बी एक ड्रग एडिक्ट है। फिर वो उसे उसके फादर के बारे में पूछता है। डार्बी कहती है कि उसके फादर ने सुसाइड किया था। फिर डार्बी उससे कहती है कि जे बीमार है और उसे मेडिसिन की जरूरत है। फिर ऐसे उससे कहता है कि उसे एडिसन डिजीज है, जिसमें अगर उसे ज्यादा स्ट्रेस हुआ तो एड्रेनालिन का ओवरडोज हो जाएगा। अब यहाँ पर एस उसे मारने की धमकी दे ही रहा होता है, तभी वहाँ पर सैंडी आ जाती है, और सैंडी को देखकर वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद एस वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सैंडी उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो डार्बी हाँ कर देती है। इसके बाद दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ पर सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। फिर ऐश उन्हें सबके साथ बैठने के लिए कहता है, जहाँ पर एड डार्बी से उसे उसके फादर के बारे में पूछता है, तो वो बताती है। लेकिन तभी ऐश उसके फादर के सुसाइड के बारे में सबको बताता है। इसी बीच डार्बी देखती है कि जे वैन से बाहर आ गई है, और ऐश भी वो देख लेता है, तो वो लार्स को बाहर जाने का इशारा करता है, जिससे लार्स बाहर चला जाता है। और इसके बाद ही डार्बी भी वॉशरूम में चली जाती है, तो ऐश भी उसके पीछे पीछे जाता है, और वहाँ पर जाने के बाद वो उसे मारने लगता है, और उसी वक्त उसकी कीज गिर जाती है। और तब भी वहाँ पर लार्स आ जाता है और कहता है कि जे भाग गई है और वो पहाड़ी पर चली गई है, और वो हमारे बुलाने से नहीं आने वाली। इस पर से ऐश उसे कहता है, लेकिन डार्बी उसे बुलाएगी तो वो जरूर आएगी। फिर वो डार्बी को लेकर हिल्स पर जाता है, जहाँ पर लार्स उसे कहता है कि अंकल कैनी को ये पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। डार्बी उससे पूछती है कि ये अंकल कैनी कौन है, जिस पर से वो बताता है कि उन्होंने हम दोनों को अडॉप्ट किया था और हम दोनों उन्हीं के लिए काम करते हैं। तभी डार्बी उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी ऐश उसे शूट कर देता है, लेकिन वो बुलेट उसे नहीं लगती बल्कि वो पेड़ से टकराकर घर। एड और सैंडी को जब गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है तो वो लोग बाहर जाते हैं, जहाँ पर उसे जे बेहोश मिलती है, तो वो उसे लेकर अंदर आ जाते हैं। सैंडी उसे देखकर कहती है कि ये बीमार है और उसके रिस्ट में हेल्थ ब्रेसलेट लगा हुआ है, जिससे उन्हें उनके डिजीज के बारे में पता चल जाता है। दूसरी तरफ डार्बी दोनों भाइयों को जैसे तैसे डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ पर आ जाती है, और वो वहाँ पर जे को देखकर बहुत खुश होती है, और वो एड को बताती है कि जे को लार्स और ऐश ने किडनैप किया है और उनके पास गन भी है। तभी ऐश और लार्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, और उन्हें देखकर एड जल्दी से डोर लॉक कर देता है। वो अंदर आने की कोशिश करते हैं, तो एड उनसे कहता है कि उन लोगों के पास गन है। तभी ऐश उसे कहता है कि जे बीमार है, अगर टाइम से उसे मेडिसिन नहीं दी गई तो वो मर जाएगी, और हमारे पास मेडिसिन हैं जिसे हमें जे को देना होगा जिससे वो बच जाएगी। यहाँ पर सैंडी एड से कहती है कि हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन एड और डार्बी उस बात पर यकीन नहीं करते। तभी डार्बी उनसे कहती है कि वो यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि उनकी वैन की कीज हमारे पास है। फिर एड ऐड से कहता है कि तुम मेडिसिन हमें दे दो तो हम तुम्हें उस वैन की कीज दे देंगे। तभी लार्स और एस को ये रियलाइज होता है कि वो कीज उनके पास नहीं है। इसके बाद वो उस वैन के पास आते हैं और वहाँ पर गैसोलीन लेकर आते हैं और घर के बाहर डालने लगते हैं। इस पर से सैंडी उन्हें मना करती है और कहती है कि हमें यहाँ से जाने दो, लेकिन एड कहता है कि वो लोग यहाँ से सब कुछ जलाकर नहीं जा सकते, इसीलिए तुम वैन की कीज को
और साथ ही एड उसे अपनी कार की कीज भी दे देता है। ऐश कहता है कि जे हमें दे दो और हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, लेकिन एड उसकी बात से अग्री नहीं था। वहीं पर डार्विन उस कीज को छुपा देती है और कुछ टूल्स ऐसा वेपन ले आती है और एड को देती है। बाहर एश एक माचिस की तीली जलाता है और उन्हें आग लगाने की धमकी देता है, जिसकी वजह से सैंडी डर जाती है और वो एड से कहती है कि हमें जे को उसे दे देना चाहिए, जिस पर से एड उसे कहता है कि वो हमें कुछ नहीं करेंगे। और इसी बीच जे को होश आ जाता है और वो सैंडी को पहचान जाती है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सैंडी जे की एक नर्स हुआ करती थी और उसके घर काम किया करती थी, जहाँ पर जे उसे कभी कभी ह्यूमिलेट किया करती थी। इसलिए उसने एस और लार्स की हेल्प ली थी जे को किडनैप करने के लिए, लेकिन उनके पास जे के लिए मेडिसिन नहीं थी, तो वो सैंडी को कॉल करके मेडिसिन लाने के लिए कहते हैं, वरना उसे कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए वो इस बर्फ के तूफान में भी एड को लेकर कहीं जा रही थी। अब सबको सब कुछ पता चल गया था, तो सैंडी एस को बता देती है कि एड के पास गन नहीं है और वो डार्बी को आंखों में पेपर स्प्रे मार देती है। एड उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो उसे बताती है कि हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो गई हैं और हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, जिस पर से एड उसे कहता है कि तुम मुझसे बताती तो मैं सब कुछ ठीक कर देता। तभी एस और लार्स अंदर आ जाते हैं और सैंडी जे को इंजेक्शन देती है, जिससे जे की सिचुएशन ठीक हो जाती है। फिर सैंडी एड से कहती है कि तुम चिंता मत करो, जे वापस से अपने घर चली जाएगी और उसे कुछ भी नहीं होगा। इसी पर डार्बी उससे कहती है, ये लोग जे को वापस नहीं करेंगे, ये लोग चाइल्ड का बिजनेस करते हैं। ये सुनकर सैंडी शॉक्ड हो जाती है और एश से कहती है कि तुम जे के फादर से बात करो, वो तुम्हें और पैसे दे देंगे। लेकिन एश यहाँ पर क्लियर होता है कि उसे जे के साथ क्या करना है। जब एश एड से की मांगता है तो एड कहता है कि मेरे पास कीज नहीं है, तो एश उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, जिस पर से सैंडी उसे कहती है कि वो कीज डार्बी के पास है और उसने कहीं छुपा दी है, जिस पर से एड डार्बी से कहता है कि इन लोगों को कीज के बारे में मत बताना। इस पर से एस गुस्सा हो जाता है और वो एड को शूट कर देता है और वो वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर सैंडी गुस्से में आ जाती है और वो एस के ऊपर पेपर स्प्रे करने ही वाली होती है, लेकिन तभी लार्स वहां पर आ जाता है और वो पेपर स्प्रे उसकी आंखों में चला जाता है और एस सैंडी को भी शूट करके मार डालता है। फिर वो डार्बी से कीज मांगता है, लेकिन डार्बी उसे कीज नहीं देती। फिर वो डार्बी के हाथ को नेल गन से दीवार में स्ट्रेच कर देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तभी लार्स उसे कहता है कि उसकी आंखों में बहुत जलन हो रही है, इसलिए एश उसकी आंखें धुलवाने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। उसके जाने के बाद डार्बी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, तो वो जे को अपने पास बुलाती है और साइड में रखा हैमर उससे मांगने लगती है और जे उसे वो हैमर दे देती है। लेकिन उसी वक्त जे एश और लार्स वहां पर आ जाते हैं, तो डार्बी उस हैमर को छुपा लेती है। तभी डार्बी की फोन में मैसेज आता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है, जो एश डार्बी को दिखाता है। लेकिन तभी उसे पता चल जाता है कि फोन में नेटवर्क आने की वजह से डार्बी ने पुलिस को जो मैसेज भेजा था वो शायद उन तक पहुंच चुका होगा, जिससे लार्स पैनिक हो जाता है। अब एश उससे फिर से वैन की कीज मांगता है, लेकिन डार्बी उसे इग्नोर करती है, तो वो इस बार उसे धमकी देता है कि अगर उसने कीज नहीं दी तो वो जे के हाथों में नेल गन से शॉट करेगा, जिससे डेर डर जाती है और वो रोने लगती है। इस पर से लार्स भी उसे ऐसा करने से मना कर देता है लेकिन वो नहीं सुनता, तो डार्बी उसे बता देती है कि कीज कहाँ पर है। अब एश वो कीज लेने के लिए जाता है और गन लार्स को दे देता है और उन पर नजर रखने के लिए कहता है और कहता है कि कोई कुछ भी करे तो उसे शूट कर देना, और वो खुद कीज ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस भी उस सेंटर की तरफ आ रही थी। वहीं लार्स जे से कहता है कि थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी डार्बी इधर उधर देखती है और वो जे से कहती है कि वो जाकर लाइट्स ऑफ कर दे। जे को ऐसा करने से डर लग रहा था, लेकिन फिर लार्स उसे बार बार बैठने के लिए कहता है वरना वो उसे शूट कर देगा, लेकिन फिर भी जे किसी तरह लाइट्स ऑफ कर देती है। अब लाइट्स ऑफ होते ही डार्बी अपने हाथ से वो नेल निकाल देती है और जैसे ही लार्स लाइट्स ऑन करता है वो पीछे से उस पर अटैक कर देती है। वहीं बाहर एश को भी कीज मिल जाती है, लेकिन तभी उसे गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो अंदर जाता है तब वो देखता है कि डार्बी ने लार्स को पकड़ रखा है, इसलिए एश नेल गन दिखाकर डार्बी को डराने की कोशिश करता है, तो लार्स उसे शूट करने के लिए मना कर देता है। लेकिन तभी जे एश के हाथों में अटैक कर देती है, जिसके गलती से एक नेल लार्स के फोरहेड में लग जाती है, जिससे लार्स पैनिक करने लग जाता है। तभी एश उसके पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तब तक डार्बी जे को लेकर वहां से भाग जाती है और वो जे को लेकर कार में बैठ जाती है।
दूसरी तरफ ऐश लाश को लेकर बाहर आ रहा था, लेकिन ब्लड परसिव करने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और वो नेल पूरी तरह से उसके सर में घुस जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं मर जाता है। ऐसा देखकर ऐश गुस्से में आ जाता है और वो बाहर जाता है। वो नेल गन से डार्बी की कार को पंचर कर देता है, जिसकी वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर ऐश नेल गन लेकर डार्बी को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और ऐश को क्रैश कार के पास देकर उसे बाहर आने को कहते हैं। तभी डार्बी धीरे से बाहर निकलती है और वो ऐश को शूट कर देती है, जिससे पुलिस को लगता है कि डार्बी कल्प्रिट है, तो वो ऐश को शूट कर देते हैं। तो वो डार्बी को शूट कर देता है, जिससे वो गिर जाती है। तभी ऐश उसके पास पड़ी गन को उठाकर उस पुलिस ऑफिसर्स को शूट कर देता है। इसके बाद वो डार्बी को शूट करने वाला था, लेकिन बुलेट्स खत्म हो गई थी। अब वो नेल गन लेकर डार्बी को मार नहीं वाला था। भी डार्बी एक स्क्रू ड्राइवर उसके गले में घुसा देती है, जिससे उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। जे भी ये सब कुछ देख रही थी। फिर डार्बी उस पुलिसमैन के पास जाती है और वहां से उसके रेडियो से हेल्प बुलाती है। अब कुछ समय बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है कि डार्बी फिर से उसी रिहैब सेंटर में है। फिर हमें उसके पास जे की बनाई हुई स्केच भी दिखाई देती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों अभी भी दूसरे के कॉन्टेक्ट में है। इसके बाद डार्बी की सिस्टर डिमोन भी उससे मिलने ले आती है, जिसे देखकर डार्बी बहुत खुश हो जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।